नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी ने कहां कहां तपस्या की, इस कड़ी में आप ये जानेंगे कि महाराज जी ने किस किस पर्वत पर अपना तप किया है। ये बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन पारस स्पर्श में ये लिखा हुआ है कि महाराज जी ने किन किन पर्वतों पर तपस्या की है। कैंची धाम की स्थापना कैंची में क्यों करवाई, इस प्रश्न का भी उत्तर है उसमें। तो वही बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि वैसे महाराज जी, हम आपको बता दें कि अपने बारे में ज्यादा कुछ किसी को बताते नहीं थे। कोई बात अगर आप पूछना भी चाहें तो उसको टाल देते थे, और पहले तो सीधा सीधा प्रश्न करने का कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता था कि हिम्मत नहीं साथ देती थी। भाई किसी संत से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर आप पूछेंगे, कहीं एक डर लगा रहता है कहीं नाराज ना हो जाए, है ना। तो एक बात भी ये निश्चित है कि कुछ चीजें वो बताना चाहते थे या बता दी हैं, ये उनकी लीला का कोई एक अंश हो सकता है। तो महाराज जी ने एक दिन बातों ही बातों में बताया कि हमने अपने साधना काल में हिमाचल, विंध्याचल और नीलगिरी के पर्वतों पर तप किया। इन तीन पर्वतों पर हम तप कर चुके हैं, और इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, अपनी पसंद भी बताई। मित्रों, उन्होंने जितने भी मंदिर बनवाए, कैंची धाम बनवाया, तो कैंची धाम में आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूं कि जब वो पूर्णानंद तिवारी को मिले हैं, बताई थी ना पूरी विस्तृत कथा बताई थी, तो उन्होंने उसे ये कहा था, उन्होंने कहा महाराज अब कब दर्शन होंगे, उन्होंने कहा 20 वर्ष के बाद। तो 20 वर्ष के बाद जब वो वहां पर आते हैं तब कैंची का शुभारंभ होता है, क्योंकि योजना में जो उनका एक क्रम चल रहा था उनमें कैंची धाम की जो स्थापना का काम हुआ था वो पहले से पूर्व निर्धारित था। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में हनुमानगढ़ी, भूमियाधार, कैंची धाम, काकड़ी घाट और बहुत सारे मंदिर हैं बनवाए, उनमें आज तीर्थ स्थल के रूप में हम सब जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने जो हिमालय में तपस्या की, उन्होंने जो जिन पर्वतों पर तप किया, उनका कोई समय उल्लेख नहीं मिलता। होपा जी बताते हैं कि इस बारे में मेरा स्पष्ट मत है कि महाराज जी का प्रेम उन्हें हिमालय की गोद में बनाए हुए है। यही कारण है कि महाराज जी मंदिरों की जो श्रृंखला चली उसमें केवल पर्वतीय क्षेत्र नहीं रहा, मैदानी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में मंदिर बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी कल ही एक मॉरिशस से फोन आया था, वो मॉरिशस में मंदिर बनवाना चाहते हैं। मैंने उन्हें महाराज जी के जो भक्त हैं अभी उनका पता दे दिया, शायद एक बहुत अच्छा मंदिर मॉरिशस में बन जाए। तो भारत के विभिन्न प्रांतों में, विदेशों में भी मंदिर बन चुके हैं, तो ये उनका प्रेम है, उनका स्नेह है। और हिमालय की कंदराओं में जो उन्होंने एक मंदिरों की श्रृंखला शुरू की, वो तब की
जब वहां हनुमान जी का जो स्वरूप था वो बहुत ज्यादा पूजा नहीं जाता था। हनुमान गढ़ी में महाराज जी की बड़ी विशाल मूर्ति हनुमान जी की लगी हुई है और उनसे संबंधित कथाएं भी बहुत हैं। तो केवल बता ये देना चाहता हूं मैं इस अंक में विशेष चीज कि तीन पर्वत हिमाचल, विंध्याचल और नीलगिरी, ये तीन पर्वतों पर उन्होंने तपस्या की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज जी से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न अधूरा रह जाता है। तो मित्रों ये जानकारी हमको मिली है, मैं आपको दे रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए उनकी उपस्थिति तो सर्वत्र है, लेकिन तीन पर्वत भाग्यशाली हैं जहां महाराज जी ने तप किया, साधना की और उस साधना काल में वो एकदम उनका व्यक्तिगत जीवन था। और जब वो सख्त से संपूर्ण तो वो बचपन में ही थे क्योंकि हनुमान जी के स्वरूप है, उन्होंने बता दिया था कि आज गांव में डकैती पड़ेगी, सावधान हो जाओ, बच्चे थे तभी कह दिया था। तो ये चीजें हैं, ये जो बातें हैं वो हमको ले जाती हैं महाराज जी के स्नेह, महाराज जी के प्यार, महाराज जी के आशीर्वाद और उन बातों की तरफ जहां आज धाम बन चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र में महाराज जी ने हनुमान जी के मंदिरों की जो स्थापना की है, जो एक श्रृंखला बन गई है, वो वास्तव में ऐसी है जहां आप किसी मंदिर में भी जाइएगा, हनुमानगढ़ी में चले जाओ, भूमियाधार में चले जाओ, कैंची धाम में चले जाओ, काकड़ी घाट में चले जाओ, इधर ऋषिकेश में बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, आप हनुमान मंदिर लखनऊ में चले जाओ, उनकी समाधि स्थल तो है वृंदावन में चले जाओ, किसी भी स्थल पर जब आप जाएंगे तो एक नई गाथा है वहां की, एक नया प्रसंग है और एक ऐसा आशीर्वाद है जब आप वहां बैठेंगे तो आपको वहां महसूस होगा। तो मित्रों जो मंदिरों के बारे में मैंने आज बताया, पर्वतों के बारे में बताया, आने वाले समय में मंदिरों की श्रृंखला पर एक विशेष प्रस्तुति मैं आपको दूंगा, तैयारी चल रही है, आज विदा लेते हैं, जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।